अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपने इनको जरूर देखा होगा। ये इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, कई रियलिटी शोज में भी देखा है। इनका नाम है तनु रावत जी। फिलहाल इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, कई कंटेंट क्रिएटर इनको डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड, ये माथे पे तिलक लगाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप धार्मिक दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो सही है या कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं पैनल धर्मा, आपका स्वागत है। सोशल मीडिया चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तनु रावत जी की वीडियोज बहुत वायरल हो रही है। बट मैंने रिसेंटली एक फेमस यूट्यूबर है जिनका नाम है ऋषभ भिदोड़ी, इनके काफ़ी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, अच्छे ओपिनियंस देते हैं। इनके एक वीडियो देखी जिसमें तनु रावत जी को बोल रहे हैं कि इस तरीके से तिलक लगा के आप डांस कर रहे हो वल्गर गानों पे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मैंने वीडियोस देखी कि भाई क्या चल रहा है। साइड बाय साइड मैंने और भी कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने तनु रावत जी को एक्सपोज किया हुआ था, मैंने देखा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लोग नाराज थे इनसे। रीज़न बिहाइंड, डांस तो ये बहुत अच्छा करती हैं पर कई बार किसी भी तरीके के गाने पे नाचने लगती हैं। प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं है, आप नाचो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप माथे पे तिलक लगाते हो, फिर आप धार्मिक व्लॉग्स भी बनाते हो, वीडियो भी बना देते हो, और फिर ये सब करते करते सडनली आप किसी भी वल्गर गाने पे वल्गर डांस करते हो जो कि देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। देखो, माथे का जो तिलक है ना, वो जस्ट कोई टैटू नहीं है या कोई आकर्षण की चीज़ नहीं है, ये एक धर्म का चिन्ह है। और जब धार्मिक दिखने लगते हैं आप, तो आपसे उम्मीदें की जाती है कि कुछ धार्मिक वैल्यू सिस्टम भी है, वो भी आप प्रैक्टिस करें, उसका अध्ययन भी करें, जाने भी। अदरवाइज एक तरीके से वैसी ही बात हो जाएगी कि एक ढोंगी बाबा टाइप का व्यक्ति है जो धार्मिक दिख रहा है और ऑडियंस का चूना लगा रहा है, तो आप भी एक तरीके से वही कर रहे हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, जब आप धार्मिक दिखते हो और धार्मिक बनने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे मर्यादा की उम्मीद करते हैं, क्योंकि धर्म के साथ मर्यादा आती है, लिमिटेशन आती है कि हाँ भाई मेरे को लिमिट नहीं क्रॉस करनी, मुझे भी एक सिस्टम में रहना है जिससे लोग को हर्ट ना हो या मैं खुद को चीप प्रेजेंट ना करूं। बिकॉज अब आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हो, भगवान को भी लेके चल रहे हो, धर्म को भी लेके साथ चल रहे हो, तो धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए सिर्फ माथे के तिलक को कोई टैटू या जस्ट कोई नेकलेस टाइप की चीज़ नहीं है कि हाँ यार आउट ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया, ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। और लोग जब आपको देख रहे हैं कि यार ये तिलक लगा के ऐसे वल्गर गानों पे नाच रही है, अजीब से मूव कर रही है, तो एक तो धार्मिक भावनाएं हट हो जाती हैं और आप भी इररिस्पॉन्सिबल लगने लगते हो कि आप अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट क्यों कर रही हो। चलो मैं फिर से थोड़ा और आसान कर देता हूँ, मैं भी धार्मिक वीडियोस बनाता हूँ, धार्मिक चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, कई बार मैं धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के वैष्णव तिलक लगा के मंदिर जाता हूँ, रास्ते में कई लोग मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, मोस्टली टाइम मैं तो बोलूँगा मुझे लोग ऐसे ही मिले जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, कई बार लोग पैर तक छू लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं कि बहुत अच्छा बेटा अपना धर्म का पालन कर रहे हो। पर इन सब चीज़ों में मेरे को एक चीज़ हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि अगर मैं जींस पैंट पहन के निकला होता तो शायद लोग मुझे नोटिस भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज मैं धोती कुर्ता तिलक पहन के निकला हूँ तो लोग मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं और लोग मुझसे इनडायरेक्टली उम्मीद भी ये कर रहे हैं, ये तो धार्मिक है, ये तो मर्यादा में रहता है, ये तो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल फॉलो करता है, इतना चीप नहीं होगा ये। और सडनली मैं सेम अटायर में मेट्रो में कुछ चीप हरकत कर दूँ, गाली देने लगूँ, गुटखा खा के ऐसे थूकने लगूँ, तो आप लोग यही कहोगे ना कि शर्म नहीं आती, एक तो धार्मिक है, पंडित सा दिख रहा है और ऐसी चीप हरकत कर रहा है, तो आप बोलोगे। तो अभी क्या हो रहा है तनु रावत जी के साथ, ये भूल गई है कि ये जो अटायर ये कैरी करती है समटाइम्स, वो भी आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा मर्यादा में रहो, अदरवाइज यू विल गेट हेट, और इतना हेट मिलेगा कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स को जब हेट मिलता है तो एकदम से ब्रोक डाउन हो जाता है। सो जब ऋषभ भिदोड़ी और अदर कंटेंट क्रिएटर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें छोड़ दो, तो यू शुड थिंक कि क्या मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही, क्योंकि होता भी यही है ना कि यार आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको हमेशा चाहिए कि लोग आपको देखते रहें, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको डर भी रहता है कि आपसे कोई नाराज ना हो जाए, और आपको ये भी देखना है कि हमेशा आप ट्रेंडिंग में बने रहो, रेलेवेंट रहो, तो जो ट्रेंड में गाना चल रहा है वल्गर सलगर, आप सोचते हो ट्रेंड में चल रहा है मैं भी कुछ नाच के दिखा दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, कुछ ट्रेंडिंग मूव्स कर दूँ, कुछ
एकदम कैची कर दूँ। तो इसमें होता क्या है कि आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हो, आप मर्यादा लांग देते हो रेलेवेंट बनने के चक्कर में, क्योंकि आज का रेलेवेंसी है कि आप चीप हरकत करो। हम मैथिली ठाकुर फेमस कंटेंट क्रिएटर सिंगर हैं, पहले वो भी बॉलीवुड के गाने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में डालती थी, पर उसने एक समय के बाद छोड़ा कि नहीं यार अब नहीं गाना, कुछ हुआ था। उसने रामचरितमानस के ऊपर गाना गाना स्टार्ट किया, लोकगीत गाए, भजन गाए और कई भजन वायरल हुए, ज़बरदस्त वायरल हुए। उनको कोक स्टूडियो की तरफ से बुलाया गया बिकॉज सी हैज़ अ प्योर टैलेंट। उनको ब्रांड अम्बेसडर तक बनाया गया सिटी का, मतलब गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले, बेहिसाब रिस्पॉन्स मिला, उनको प्यार मिला। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को ट्रेंडिंग रहना है, अगर मैं इस तरीके से डांस नहीं करूँगी तो लोग मुझे नोटिस नहीं करेंगे, नहीं। अगर आपका प्योर टैलेंट है तो लोग एनीवे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तनु रावत जो है ना, ये लिबरल माइंडसेट की ओर जा रही है। हो सकता है इन्वायरमेंट ही ऐसा हो और उसकी वजह से लिबरल माइंडसेट ही ऐसा है कि यार क्या दिक्कत है ये सब करने में। वो हर चीज़ को आर्ट के नाम पे, टैलेंट के नाम पे जस्टिफाई कर सकती है। हम सब ने देखा है कि आजकल रियलिटी शो में नूरा फतेही का एक डांस वायरल हुआ था, वो लाइव स्टेज पे अजीब क्या ये सब करने लगी थी आर्ट के नाम पे, डांस के नाम पे। हमने देखा ही है कि मलाइका अरोड़ा खान भी कई बार ऐसी करती है। तो दे आर्ट के नाम पे लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो तनु रावत है वो इसी माइंडसेट की ओर गई है। तो वो धार्मिक है, उसको भगवान के प्रति हो सकता है झुकाव हो, प्रेम हो, बट एक माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जिस वजह से ऐसी चीज़ें करने लगती है। तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि तनु रावत जी के अलावा जितने भी हमारे ऑडियंस हैं इंक्लूडिंग मी, कि अगर मैं धार्मिक वीडियो बना रहा हूँ, अपने आप को धार्मिक सोसाइटी में दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ धार्मिक दिखावा की चीज़ नहीं है, धार्मिक होना दिखावे की चीज़ नहीं है, यह ध्यान और प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस मर्यादा के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपको हेट मिलेगा, लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं आप सोसाइटी के। और अगर आप, और जब रोल मॉडल कुछ गलत करता है तो जितना उसे प्यार भी मिलेगा उतना हेट भी मिलेगी। तो मैं भी तनु रावत को ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड थिंक कि अगर मैं तिलक लगा के कुछ डांस कर रही हूँ तो मुझे किस तरीके का डांस करना चाहिए। मेरी ऑडियंस भी मुझे सम्मान दे रही है तो मेरी तिलक की वजह से दे रही है, अदरवाइज डांसर्स तो बहुत सारे हैं। आपको एक्स्ट्रा अटेंशन अगर मिल रही है तो उस अटेंशन के पीछे के रीज़न को समझो और उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक से रिस्पॉन्स करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जो मैंने कहा वो कितना सही लगा, आपका क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।